जानी निकाह न करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह न करे मगर जानी या मुशरिक मर्द, और ये अहले ईमान पर हराम कर दिया गया। इस आयत करीमा में जिना की कबाहत का बयान है कि पहले बद ये बुरा काम और इसके करने वाला उसके साथ मेल जोल रखने वाले लोगों की इज्जत पर धब्बा लगा देता है जो दीगर गुनाहों से नहीं लगता। तो जानी मर्द सिर्फ जिनाकार औरत से ही निकाह करेगा, इसका हाल ऐसी ही औरत के हाल से मुनासबत रखता है, या मुशरिक औरत उसके हाल से मुनासिब है जो औरत यौम आखरत और यौम जजाओ सजा पर ईमान रखती है और अल्लाह ताला पर ईमान रखती है। उस औरत को अल्लाह ताला इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहते कि कोई जानी मर्द उसके साथ रिश्ता निकाह में बन जाए जिसकी वजह से पूरी जिंदगी अजियत बर्दाश्त करती रहे। यह रिवायत तफसीर सादी की और इस तरह तफासीर में है कि जानियों के साथ जानियों के ताल्लुकात हैं या मुशरिकों के, इसके मां सिवा इनके साथ किसी और का रिश्ता या किसी पाक दामन का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन, जानिया के साथ निकाह न करे मगर जानी या मुशरिक मर्द। तो जिना और शिर्क मिलते जुलते गुना है। जिना में एक मर्द अपनी बीवी को या बीवी अपने शोहर को छोड़कर किसी गैर से ताल्लुक कायम करती है। शिर्क में इंसान अपने रब को छोड़कर गैरुल्लाह की तरफ झुकता है। यूं दोनों में एक अजीब मानवी ताल्लुक पाया जाता है जिसकी वजह से इनका इकट्ठे जिक्र किया गया। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये मोमिनों पर हराम कर दिया गया यानी मर्दों और औरतों पर। कोई पाक दामन मर्द किसी नापाक औरत से निकाह न करे और कोई पाक दामन औरत किसी नापाक मर्द के साथ निकाह करके न दी जाए। ये ऐसर तफासीर की रिवायत है। हाँ, अलबत्ता कोई तौबा कर ले तो उसका मामला फर्क है। तो यूं हम देखते हैं कि जिना एक कभी फेल है। एक इंसान जब जिना करता है तो वह ऐसी हालत में होता है कि उसके शऊर और दिल से ईमान दूर हो जाता है। एक मोमिन ईमान से खाली होकर ऐसे राब्ते से नफरत करता है। इस्लाम जिनसी ताल्लुक को तरक्की याफ्ता इंसानी शऊर की बुनियाद पर उस्तवार करता है। इसलिए दो नफीस रूहों, दो पाक दिलों, दो नेक इंसानों के मिलाप से मुश्तरका जिंदगी के आगाज की इजाजत देता है इस्लाम, जो जानी और मोमिन के निकाह की सूरत में मुमकिन नहीं है। इस्लाम आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत करना चाहता है। मुश्तरका उम्मीदें, मुश्तरका खुशियां, मुश्तरका दुख, मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए दो ईमान वाली रूहों के बाहमी इत्तेसाल की इजाजत है। क्योंकि मोमिन और मोमिना के लिए इससे बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता कि उसका शरीक हयात अपने रब का नाफरमान हो और आने वाली नस्लों को भी उस रास्ते पर डालने की कोशिश करे। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये ईमान वालों पर हराम कर दिया।